a very good morning to all my dear bloomians i hope you all are doing great dear bloomians we have already studied about vowels there are five vowels they are a e i o u and rest of the letters are called as consonants in english alphabet there are 26 letters तो हमने 26 लेटर्स uh, के बारे में जाना जो कि इंग्लिश अल्फाबेट में है ए टू जेड तक उसमें 26 लेटर्स में फाइव वॉवल्स है और जो बाकी रह जाते हैं वो है कॉन्सोन तो वॉवल्स में है ए आई ओ यू तो आज हम पढ़ेंगे साउंड ऑफ ए जो ये साउंड ऑफ ए है इसमें हम देखेंगे कि हम कौन से वर्ड्स ज्वाइन कर सकते हैं ठीक ये हम आप हमेशा याद रखो जो साउंड्स uh, है इसमें हम पैटर्न uh, फॉलो करते हैं सी वी सी इट मीन्स फर्स्ट सी जो है ये है कौनसोनट वी मीन्स वॉवल एंड सी मीन्स कौनसोनट तो हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कैसे हम यूज करेंगे जैसे फर्स्ट वन इज बी ए डी ठीक बी इज अ कॉन्सोनेंट हेयर ए इज अ वॉवल हेयर एंड डी इज अ कॉन्सोनेंट हेयर बी ए डी बैड एल ए डी लेड इट मीन्स एल इज अ कॉन्सोनेंट हेयर इज अ वॉवल हेयर एंड डी इज ए कॉन्सोनेंट हेयर तो ये सीवीसी पैटर्न फॉलो होता है इसमें ठीक देन कम्स एम ए डी मैड एच ए डी हैड एस ए डी सेड ठीक जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा वॉवल्स पांच है ए आई ओ यू तो आज हम साउंड ऑफ ए पढ़ेंगे इसमें हम पैटर्न जो फॉलो होता है वो है सी वी सी पैटर्न इट मीन्स कॉन्सोनेट वॉवल कॉन्सोनेट पैटर्न ठीक इसमें फर्स्ट जो है बी ए डी बैड बी जो है इट इज़ कॉन्सोनेंट ए इज़ अ वॉवल हेयर एंड डी इज़ अ कॉन्सोनेट सो इट इट फॉलोज सी वी सी पैटर्न कॉन्सोनेट वॉवल कॉन्सोनेट देन कम्स लैड एल ए डी लैड एल इज़ अ कॉन्सोनेट हेयर ए इज़ अ वल हेयर एंड डी इज़ अ कॉन्सोनेट हेयर M -A -D MAD MAD, HAD HAD, SAD said. So, dear students, you will copy it on your notebook and uh, do learn it properly. Thank you.